नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। प्रहार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं इस मुमरा बाईपास की, जहां पर आज राष्ट्रवादी पार्टी के पदाधिकारी और यहां पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अधिकारी ने आज यहां पे मुमरा बाईपास का दौरा किया। वहीं इस दौरे को लेकर हम आज यहां पे शिवसेना के खासदार श्रीकांत शिंदे से बात करते हैं कि जो यहाँ पर दौरा किया जा रहा है उस ताल्लुक से उनका क्या कहना है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अधिकारी आरआर पाटिल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उनका दौरा था। उनके साथ में राष्ट्रवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी थे। तो एक सर, ये काम शिवसेना की तरफ से पालक मंत्री साहब की मीटिंग के से किया जा रहा है, तो ये क्रेडिट जो उनको ले रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? किसको दौरा करना है, क्या करना है, उसके बारे में तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। कौन काम कर रहा है ये सभी को पता है। और ये मुमरा बाईपास का विषय बहुत पुराना है, तो एक डिसीजन लिया गया है कि इस मुमरा बाईपास को पूरे तरह से रिपेयर करने का काम ये महीने में होने वाला है और 16 तारीख से काम शुरू होने वाला है। और ये काम जो है वो पूरी तरह पालक मंत्री जी का इसमें ध्यान है, बारीकी से उनकी नज़र है इस काम पर। वही राष्ट्रवादी पार्टी के लोगों का कुछ कहना है कि हमने यहाँ पे हल्ला बोल मोर्चा लगे थे पनवेल कार्यालय पे, और जिसकी वजह से यहाँ पे काम शुरू हुआ। लोग देख रहे हैं कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। के लिए कितने महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएगा? ये 2 महीने का काम है, पूरा रिसर्फेसिंग का काम होगा पूरी तरह से। इस जो जहाँ जहाँ खड्डे हैं, जहाँ जहाँ रास्ता दब चुका है, और जो आरओबी का सबसे मेन काम है, जो पूरी तरह से धस गया, कभी भी गिर सकता है, तो उसका बॉल बेयरिंग जो है वो चेंज करने का काम, वो पूरी तरह से अच्छा काम इस मुमरा बाईपास पे होने वाला है। आज इस मुमरा में कौन दिखावा करता है ये सभी को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लोगों को भी पता है। इतने सालों में खाली लोगों को आश्वासन देने का काम, झूठे आश्वासन देने का काम किया गया है, और अभी लोग उस पर ऊब चुके हैं। आज आपको मैं कहता हूँ कि आज इस थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में शिवसेना की सत्ता है, कई सालों से शिवसेना की सत्ता है, और शिवसेना ने मुमरा में कहीं भी अलग व्यवहार मुमरा से कभी भी किया नहीं है। जो काम थाने सिटी में शुरू है, जो काम वाकले में शुरू है, वही काम जो है उतना ही निधि हम मुमरा को देने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ऐसे दुझाभाव कभी किया नहीं कि सौतेला व्यवहार कभी मुमरा से किया नहीं। आज मुमरा में स्टेडियम आ रहा है, आज मुमरा में हॉस्पिटल खड़ा हो चुका है, तो मुमरा में रास्ते हो रहे हैं। तो राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से कैसे हो सकता है? तो इसी तरह का ऐलान किया जा रहा है। आज मुझे आप ऐलान, लोगों को झूठा तरी से प्रचार करने का काम किया जा रहा है। आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो होती है, आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किसकी है, उसमें सत्ता किसकी है? शिवसेना की है। और ये सब जो काम जहाँ जहाँ मंजूर होने के काम कौन करता है, ये शिवसेना कि सबसे ज़्यादा नगर सेवक वहाँ पर है। आज नगर सेवक के माध्यम से महासभा जब भी होती है, तभी सभी लोग, जब भी उस महासभा में कोई भी काम आता है, उसका ठहराव मंजूर होता है, तभी जाकर वो काम होता है। तो सबसे ज़्यादा नगर सेवक किसके हैं? शिवसेना के है, बराबर। जब भी शिवसेना के अगर नगर सेवक नहीं करेंगे उसके अंदर मतदान, तो काम होगा नहीं होगा। लेकिन हमने कभी भी ऐसे सोचा नहीं कि वहाँ पर हमारे नगर सेवक नहीं है, वहाँ पर हमारा आमदार नहीं है, लेकिन तो भी आज मुमरा में पूरी तरह से जो सुविधा है, उस सुविधा देने का काम शिवसेना के माध्यम से हो रहा है। उनके पद अधिकारी ने कहा है कि शिवसेना भले सत्ता में है, लेकिन शिवसेना सोई हुई थी, उनको जगाने का काम हमने किया है। इस मुमरा बाईपास को लेकर ट्रैफिक का प्रावधान करना होता है, उसका डाइवर्ट करना होता है, उसका प्लानिंग करना होता है, तो ये सब प्लानिंग शिवसेना के माध्यम से, पालक मंत्री जी के माध्यम से हो चुकी है कि मुमरा बाईपास का जब भी काम शुरू होगा तो जो ट्रैफिक कहाँ से जाएगी, कहाँ पर रुकेगी, तो ये सब काम जो है वो प्लानिंग से करने का काम शिवसेना करिए, न कि भक्त खाली प्रचार करने का काम। हर टाइम वो बैनरबाजी पोस्टरबाजी कर रहे हैं। आज मुमरा के जनता को पता है कि आज पोस्टरबाजी और बैनरबाजी कौन कर रहा है, और जनता की, अभी मुमरा की जनता उब चुकी है इस सब बैनरबाजी और पोस्टरबाजी से। उनको काम चाहिए, और काम करने का काम शिवसेना कर रही है। कैमरामैन हनीफ शेख के साथ हुसैन सुल्तान, प्रहार टाइम्स।